सोलन सब्जी मंडी को भले ही प्रदेश की सबसे बेहतरीन मंडी का इनाम मिल चुका है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते मंडी में हर ओर गंदगी पसरी रहती है। इसी को लेकर दिल्ली से शिमला लौटते हुए कृषि जनजातीय विकास एवं आईटी मंत्री रामलाल मारकंडे ने लताड़ लगाते हुए मंडी समिति के अधिकारियों को एक माह में सब्जी मंडी की दशा सुधारने के निर्देश दिए। रामलाल मारकंडे दिल्ली से लौटते हुए सोलन के विश्राम गृह में कुछ देर के लिए रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के उपरांत वे सब्जी मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सोलन शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया, जहां से करोड़ों का व्यवसाय होता है। इसकी दशा को देखकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और सुधारने के लिए एक माह का वक्त भी दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की पहली ई सब्जी मंडी है, जिसके व्यापार के लिए ऑनलाइन बोली की जाती है, लेकिन मंडी की ऐसी दशा को देखकर उन्हें खेद व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि इस मंडी को जल्द ही आधुनिक मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर भी बुलाए जाएंगे। साफ सफाई को लेकर मंत्री ने कहा कि हर सोमवार को मंडी में सभी आढ़तियां सफाई करेंगे, जिससे मंडी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का पहला सब्जी मंडी वहाँ सोलन है, जिसे इनाम से जोड़ा गया है। बहुत जल्दी आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को मैं बुलाना चाहूंगा। यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए की सहायता से यहाँ पर एक बड़ा भव्य बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसमें प्रयोगशाला होगा और बहुत कुछ इसमें जो ईनेम से संबंधित जो चीजें जरूरत है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और साथ ही साथ मुझे बड़ा खेद से कहना पड़ रहा है कि जो सब्जी मंडी जो हालत है बहुत दयनीय है, और एक महीने के अंदर जो है हमने इसका टेंडर के लिए फ्लोर में सेक्रेटरी साहब को MD को डायरेक्शन दे दिया है कि इमीडिएटली जो है इसका रखरखाव और सफाई के लिए इमीडिएट एक महीने के अंदर जो है जो हम 12-15 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं टेंडर करा के सफाई और चुस्त करेंगे, ताकि ये सब्जी मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का ये एक उत्तम दर्जे का सब्जी मंडी बने। और साथ ही साथ ही मार्केटिंग की बात करना चाहता हूँ, ये हमारा सब्जी मंडी जो है दूसरे राज्यों से भी सब्जी का एक्सपोर्ट करेगा। ये ऐसा सब्जी मंडी बढ़ाना चाहते हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखना जाएगा। हर सोमवार को जो है यहाँ पर हमारे जो सब्जी मंडी के जो हमारे अधिकारी के जो हमारे यहाँ पर आरती है सफाई करेंगे। सोलन की सब्जी मंडी शुरू से ही विवादों में घिरी रही है, कभी इसके निर्माण को लेकर तो कभी दुकानों के आवंटन को लेकर, तो कभी मंडी के बाहर से आने वाले व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर चर्चा हमेशा रही है। अब देखना है कि नई सरकार के मंत्री व चेयरमैन इन सभी समस्याओं से किस प्रकार निपटारा करते हैं।